प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरिता को और दबाएं बेल आइकन को संगीत से रिलेटेड तमाम वीडियोस पाने के लिए। नमस्कार, मैं पवन शास्त्री एक बार फिर से सुरसरिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो भजन है बहुत ही खूबसूरत सा कृष्ण कन्हैया जी का है, एक बार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिल्मी तर्ज पर है। तेरे ही भरोसे नया छोड़ी रे कन्हैया, तेरे ही भरोसे नया छोड़ी रे कन्हैया, देर न कर नैया पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया सांवरिया, तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया। ये स्थाई है और तर्ज कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो चलने वाले हैं हम हमेशा की तरह पहली काली से, यही हम स्केल रखेंगे सी शार्प, और जो स्वर लग रहे हैं वो कौन से हैं देख लें। सा रे शुद्ध गा मा पा धा और इधर कोमल नि का प्रयोग करते हैं और फिर सा, बस इससे आगे हम नहीं जाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो अदर स्केल से भी इसको प्ले कर सकते हैं, बजा सकते हैं, बिल्कुल यही नोटेशन का यूज करके, सेम नोटेशन को लगा करके। और अगर आपको पूरा नोटेशन लिखित में चाहिए, पूरे गाने का हिंदी लिरिक्स और इसका पूरे गाने का हिंदी लिखित नोटेशन हरे कंत्रों के, तो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा www.sursartatechno.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या गूगल में भी sursartatechno.com लिख करके आप इस पर पहुंच जाएंगे। पूरा गाना, पूरा हिंदी लिरिक्स और पूरा इसका हिंदी में नोटेशन पूरे अंतरे के मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो टेक्निक है बजाने का, जो तरीका है, वो ट्यूटोरियल एक अंतरे का जो आप यहाँ देखेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिना इसको देखे केवल नोटेशन पढ़ करके बजाना मुश्किल है, तो एक बार इस पूरे वीडियो को देख लें और ऑनलाइन ही देखिएगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्या है देखते हैं। तेरे ही तेरे सापे ही रे पे, तेरे ही भरोसे 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 मेरे सामा भरोसे, है ना, क्या हो गया। तेरे ही भरोसे नैया, नैया भी माँ पे है नैया मामा, तो तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे छोड़ी रे गगा रे, छोड़ी गाब का और रे रे पे, छोड़ी रे कन्हैया कन्हैया में कन्हैया रे रे गरे सा कन्हैया कन्हैया या, तो या तो हमारा यही गा पे ही पूरा हो गया कन्हैया रे रे गा, लेकिन उसका आकार जो है वो रे सा पे लेके गए कन्हैया, है ना, हो गया। आगे है अब दे रे अब पापा देर, तो देर हो गया पाधा पामा, अब हो गया पापा और देर हो गया पाधा पामा, ना हो गया माँ पे और कर में लगेगा गारे ना कर माँ गारे, ना हो गया माँ पे कर गारे, तो हो गया क्या अब देर न कर, और फिर आगे की लाइन इसी पे नैया पड़ी है भंवर, है ना, एक नोटेशन क्या पापा पाधा पामगरे पापा पाधा पामगरे, यही नोट्स पे चलेगा अब देर न कर नैया पड़ी है भंवर मेरे सांवरिया, तो मेरे मेरे में लगा रे गरे मेरे में रे मेरे सांवरिया, सांवरिया में लगा सा रे मा गरे सांवरिया सा रे मा गरे सांवरिया आ आ, तो आकार हो गया गारे सांवरी सांवरी या,
तो रे को आप दो बार प्ले कर सकते हैं, सा वरी सा रे रे या आ मा गारे सा वरी या। फिर सेकंड सावरिया सावरी ग ग ग सावरी या आ या आ, है ना। तो या रे ग रे सा या आ। ये हो गया। अब इसके बाद फिर वही स्थाई की लाइन बजेगी, तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी रे कन्हैया। तो अब आते हैं अंतरे पे, देखें अंतरा क्या है। तूफानों से पा 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 पाधा। तूफानों तो पूरा पापे है, से में पाधा लग गया। तूफानों से लड़ते पमा पधा लड़ते, है ना। पहला लड़ते है लड़ते, तो ते का एक आकार भी है वो पापे आता है। देखें लड़ते लड़ते पमा पधा पा लड़ पामा हो गया, ते में लगा पाधा पा, तो पामा पाधा पा लड़ते। अब लास्ट वाला यानी दूसरा जो लड़ते बोलेंगे वो धा पे बोलेंगे, लड़ते धा धा धा। ठीक हो गया क्या। तूफानों से लड़ते लड़ते टूट गई टूट, टूट में धानी धा टूट गई, गई में पामा टूट गई धनी धा पामा टूट गई पतवार, पतवार में पतवार मामा पाधामा पतवार पतवा आ र मामा पत हो गया, वा आ पाधा हो गया, और रा फिर मापे हो गया। पतवा आ र हो पापे रहेगा। ठीक तो हो गया पतवार हो। अब सेकेंड लाइन अंतरे की जो फर्स्ट लाइन अभी प्ले हुई इसी के नोट्स पे चलेगी, देखें। कौन निभाए साथ यहाँ पर किससे करूं पुकार हो, सेम ही चला। फिर आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, करुणा सागर पापा धनीनी करुणा पहले करुणा पापा धा और सागर पुराने पे सागर हे नट नागर हे नट धा पापा नागर मापा। ठीक नागर मापा ये हो गया। अब है कोई नहीं दातार हो, कोई नहीं कोई में हो गया धापा कोई, और नहीं में नहीं पामा कोई नहीं, कोई हो गया धापा नहीं हो गया पामा कोई नहीं दातार। अब दातार में आएगा दातार पामा गा गा, है ना। दातार दातार हो में रे सा। अब ये हो गया। इसके बाद में जो अंतरे की नेक्स्ट लाइन है वो सेम जो आपका स्थाई चला था उसी स्थाई पे आ जाएंगे, बिल्कुल वही स्थाई प्ले होगा और फिर अंतरा सेम बजेगा, यानी बाकी के जो अंतरे हैं वो सेम इसी पे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आप बजा भी लिए होंगे।
और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स है वो आप तक पहुँचते रहेंगे।